फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और लता प्राइम ब्लॉग्स में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। और मैं निकल रही हूँ फ्रेंड्स मंदिर के लिए, तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और अब चलती हूँ मैं, आज बच्चे चले गए स्कूल, आज मैं अकेले ही जाऊँगी मंदिर। और गीता जी मिलने वाले हैं मेरे से, हम दोनों फ्रेंड, यानी कि लास्ट का सावन का सोमवार है तो दोनों एक साथ पूजा करने वाले हैं आज। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, तो अब निकलती हूँ मैं, मैंने मेरी पूजा की टोकरी भी रेडी कर ली है और निकलती हूँ। दरवाजा बंद कर लो। और मैंने पहनी है आज लहरिया साड़ी, लास्ट सोमवार को भी लहरिया की साड़ी पहनी है हमने। और चलते हैं मंदिर, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। आ गई हूँ नीचे, क्या पता देखिए काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मिलाती हूँ आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड गीता जी से, उसको तो आप सब लोग जानते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली सब जानते हैं उसको, मेरी फ्रेंड को। तो मिलवाती हूँ, अभी थोड़ी देर में मिलने वाले हम दोनों। ओके, अब मंदिर जाके मिलूंगी आप लोगों से। आ गए मंदिर और गीता जी भी आ गई है, ये रहा मंदिर, मंदिर ये रहा। और गीता जी भी साड़ी पहन के आए हैं आज, काफ़ी टाइम बाद साड़ी देखेंगे। ये देखें, उनका व्लॉग भी शुरू ही है, आज उन्होंने साड़ी पहनी है है ना। आज लास्ट सोमवार को हम एक साथ पूजा करेंगे आज, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, हम दोनों फ्रेंड्स साड़ी में कैसी लग रही है बताना, है ना। दोनों ने साड़ी पहनी है, बहुत ही मशक्कत करी है मैंने साड़ी पहनने में भाई। और आ गए हैं फाइनली मंदिर में और अब पूजा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग। ओ महाराज, मोबाइल हो गई हमारी पूजा। और यानी कि ये बड़ा वाला मंदिर बंद हो गया है आज, है ना। वैसे हमारी पूजा हो गई है और अब चलते हैं, गीता जी जाएंगे बच्चों को लेने के लिए और मैं जाऊंगी सीधा घर। हम दोनों फ्रेंड्स की पूजा, लास्ट का सोमवार हमने साथ साथ पूजा की है, है ना। और चलते हैं अब घर पे, अब अपने अपने रास्ते इनका इधर जाएंगे, मैं उधर जाऊंगी, रास्ता अलग अलग है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है ना, मिलते रहते हैं हम दोनों, तभी तो हमारी दोस्ती पक्की वाली दोस्ती है। चलो मार्केट भी जाते हैं साथ। हाँ तो चलो फ्रेंड्स, आजकल हमने घूमना भी शुरू कर दिया है। वाली थी घर पे पर आ गया मुझे काम याद, उस दिन पार्लर का मेरा काम अधूरा रह गया था ना, आज करके आती हूँ मैं, है ना। गीता जी के साथ जा रही हूँ आज इनके घर पे। नहीं ना, मेरे घर पे अभी नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आते रहते हम दोनों। ये से बोलते हैं, इनके पास तो सारा दिन बैठो ना तब लगे इनको ऐसे कि हाँ। बाहर आते हैं ये। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स अब मैं जाऊँगी पार्लर हेयर कटिंग करवाने, तो गीता जी के साथ साथ चलती हूँ, थोड़ा सा दूर तो है ना। और ये बहुत तेज धूप है और धूप में ही जा रहे हैं हम, और हम साड़ी पहन के इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं कैंपस में ही, और मेरी कटिंग भी हो चुकी है, हेयर कटिंग भी। तो वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया फ्रेंड्स क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था बार बार, लेट हो गई थी ना, उनको भी ड्यूटी जाना है तो चले गए हैं शायद वो घर को लॉक करके। और अब मैं चलती हूँ घर पर, इसीलिए मैंने वहाँ का शूट नहीं किया है पार्लर का, और आ गई हूँ मैं। तो फाइनली फ्रेंड्स आ गई हूँ घर पे और मेरी कटिंग भी हो गई है, देखिए काफ़ी छोटे हेयर हो गए मेरे, है ना। ये देखिए कटिंग करवा के आ गई हूँ मैं, काफ़ी है ना कि बाल अजीब से हो गए थे मेरे, तो मैंने कटिंग करवा ली आज, ट्रिमिंग करवा के आई हूँ।
है ना। और अब कर लेते हैं अपना काम, पूजा हमारी हो गई अच्छे से और अब अपना काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि हो गया है बच्चों के भी आने का टाइम, हो जाएगा 1:30 बज चुका है और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी। उन्होंने बीच में ही फ़ोन कर दिया था क्योंकि उनकी ड्यूटी का टाइम हो गया, 1 बजे निकल जाते हैं ना, इसलिए तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है फ्रेंड्स। यानी कि मैं मंदिर के पास में ही पड़ता है पार्लर, तो मैं सोची मंदिर के पास में है तो चली जाती हूँ, बार बार आने की आफत नहीं होती, गर्मी में जाने का मन नहीं करता है धूप में निकलने का। तो हो गया फाइनली, मेरे दोनों काम हो गए हैं और आ चुकी हूँ मैं घर पे। तो मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक आप लोग प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया है, देखिए खाना बन गया है और 3 बज चुके हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, उन लोगों ने भी खाना खा लिया है तो मैं भी खा लेती हूँ फ्रेंड्स। और यानी कि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, ड्यूटी चले गए थे, मेरे आने से पहले ही चले गए थे मंदिर से। मुझे थोड़ा टाइम लग गया मंदिर में क्योंकि भीड़ काफ़ी थी ना, आज लास्ट सोमवार था सावन का, तो काफ़ी भीड़ थी फ्रेंड्स, तो टाइम लग गया हमें। और फिर मेरे को पार्लर भी जाना था तो वहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, तो मैं जल्दी की वजह से पार्लर का शूट नहीं किया, जो मैंने कटिंग करवाई तो वो शूट नहीं किया है फ्रेंड्स। तो चलो मैं खा लेती हूँ खाना, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, नहीं तो टाइम भी ज़्यादा होता जाएगा, 3 बज चुके हैं ना। तो चलो मैं खाना खा के फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद में देखो कितना सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं और रूम में काफ़ी सारे कपड़े भी तय लगाए हुए रखे हैं, उनको भी मुझे सेट करना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं खाना खाने के बाद, ठीक है। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा खाना फिनिश हो गया है और चलते हैं अब किचन में, बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं और खाना मेरा अच्छे से हो गया है। और बर्तन क्लीन करने से पहले मैं सारे बर्तनों को यहाँ रैक में सेट करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए आप लोग और करती हूँ अपना फटाफट काम, फिर मुझे कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि साड़ी में नहीं होता है, सारे दिन मेरे से नहीं रहा जाता है साड़ी में, तो पहले मैं कर लेती हूँ बर्तन वगैरह क्लीन। भी सारी क्लीन कर दी है, सफाई हो गई है मेरी सारी और टाइम हो गया फ्रेंड्स 4 बज गए हैं, सारा घर का काम निपटाने में ही 4 बज गए आज तो। और अब चलते हैं रूम में, रूम में भी मेरा काम फैला पड़ा है, कपड़े पड़े हैं काफ़ी सारे, मैंने तय लगा के रखे हैं फ्रेंड्स, तो उनको भी मैं सेट करूँगी। तो चलो रूम में चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स, बाहर तो हो रही है काफ़ी गर्मी हो रही है, देखो आराम से AC चला के सोया हुआ है देखिए, और इतने सारे कपड़े देखो मैंने तय लगा के रखे हैं, अब इनको भी मैं अलमारी में सेट कर दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सारे कपड़ों को भी मैं लगा देती हूँ अलमारी में, ये खाट हटानी पड़ेगी, इसके पीछे अलमारी है, ये खाट पे सोते हैं फ्रेंड्स रात को, है ना, मैं और अनुषा, तो इसलिए ये खाट यहीं रहती है, है ना। तो अब मैं इसके पीछे जो अलमारी है इसमें रखूँगी सारे कपड़े, तो रख देती हूँ फ्रेंड्स। कर दिए हैं सारे कपड़े मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं और टाइम तो मैंने बताया था आपको 4 बज चुके हैं, अब तो टाइम भी नहीं आराम करने का भी, तो अब तो मैं लगी रहूंगी काम में और थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं चाय। तो सबसे पहले कर लेती हूँ मैं कपड़े चेंज, उसके बाद में चाय वाय बनाएंगे, फिर वही शाम के खाने की तैयारी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी फ्रेंड्स, तो कि मैं आज इवनिंग खाने में भी क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मैं कर लिए हैं मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और क्योंकि सूट डालिए मैंने, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है काम वगैरह करने में, तो सूट डालिए मैंने और आ गई हूँ सीधा किचन में। बच्चे अभी सोए हुए हैं फ्रेंड्स आराम से और मैं सोई रही हूँ बिल्कुल भी दोपहर में, और 4 तो वैसे ही बज गए थे काम करते करते, तो अब सो जाती तो फिर मेरी आँख नहीं खुलती लेट तक, तो मैं सोई नहीं फ्रेंड्स, सीधा अपने काम में लगी रही हूँ। और इधर में किचन में मैंने दूध भी गर्म कर लिया है, इधर में मेरी चाय बनके तैयार हो गई, उबल उबल के पागल हो रही है,
बोल रही है कि मुझे कप में डाल लो, तो चलो फ्रेंड्स अब चाय डालेंगे। उससे पहले करूंगी फ्रेंड्स मैं नमक से गरारे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे गले की हालत कैसी हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है मेरे गले की हालत, बोला नहीं जा रहा है मेरे से। तो उससे पहले मैं नमक से गरारे करूंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी। तो फ्रेंड्स किस किस को चाय पीनी है इवनिंग चाय, तो आ जाइए मेरे साथ में चाय पीने के लिए। तो चलो मैं नमक से गरारे कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स कर लिए हैं मैंने नमक से गरारे, और गरारे करने के बाद में थोड़ा सा आवाज में भी फर्क लगा है फ्रेंड्स। और मैंने डाल लिए इधर भी चाय भी डाल ली है। आ जाइए फ्रेंड्स किस किस को चाय पीनी है, और शाम के फिर खाने की भी तैयारी करनी है मुझे। और खाने में मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स भिंडी की सब्जी, तो मैंने भिंडी भी धो करके वॉश करके रख दी है। अब इनको सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद में कटिंग करूंगी मैं, उससे पहले चाय पी लेती हूँ। फ्रेंड्स काट लिए मैंने भिंडी और प्याज काट लिए, हरी मिर्ची भी काटूंगी। और इधर में मैंने चढ़ा दिए फ्रेंड्स कढ़ाई, और आज मैं मोबाइल की ही रोशनी में खाना बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चली गई यहाँ पे लाइट चली गई है, और अंधेरे में ही मैं खाना बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स पूरे घर में अंधेरा हो रखा है, और मोबाइल की लाइट जला रखी है घर में, और यानी पूरे कैंपस की लाइट चली गई, पार्क की लाइट आ रखी है, देखिए सब बच्चे वगैरह सब बाहर में हैं, लाइट चली गई है यहाँ। तो चलो फ्रेंड्स बना लेते हैं, और टाइम भी हो गया है, 7:30 बज चुके हैं, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अब क्या करें, अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ेगा आज तो, अंधेरे में खाना बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर आज पता नहीं कैसे लाइट चली गई हमारी। और चलो बना लेती हूँ मैं सब्जी, और ये देखिए फ्रेंड्स इसको अंधेरे में भी चैन नहीं पड़ता हमारी श्रेष्ठा को। और ये देखो लाइट नहीं है फिर भी भाग के आ गई, और देखो कितनी मस्ती कर रही है श्रेष्ठा। हेलो से हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हो अभी खेल रही है, और मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स खाना। और इधर में मैंने ऑयल डाल दिया है, और फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अंधेरा हो रहा है, और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम है, कब बैटरी डाउन हो जाएगी इसकी पता नहीं है। तो पहले खाना बना लेती हूँ, और श्रेष्ठा को भी चैन नहीं है, अंधेरे में भी आ गई है वो भाग करके। फ्रेंड्स लाइट आ चुकी है, और एक घंटे से लाइट नहीं थी फ्रेंड्स, और अब 8 बज चुके हैं, और 7 बजे से लाइट गई हुई है, और अब आई है एक घंटे से लाइट। तो मेरा खाना भी बन गया है, अंधेरे में ही मैंने खाना बनाया है फ्रेंड्स सब्जी वगैरह, और इधर में मैंने आटा भी गूंद लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अंधेरे में ही बना रही थी खाना, लाइट कभी जाती नहीं है, पता नहीं आज कैसे चली गई, और मुझे आज अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ा, तो लेट भी काफ़ी हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 बज चुके हैं। तो मैं ब्लॉग का भी कर देती हूँ एंड, आशा करती हूँ मेरा आज का यह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।